सो हे ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर कैसे हो बच्चों तुम लोग आई होप कि तुम लोग बहुत 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 अच्छे से होगी तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छे से होगी और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होगे तो भाई आज का ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है देख सकते हो भाई पूरे पे सबसे पहले हम बता रहे हैं कि सी ने इस बार क्या प्लान किया है उनका पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है वो क्या है फाइनली ये मैं बता रहा हूं आपको पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले इसके बाद तो आपको पचासो वीडियो हर चैनल पर दिख जाएंगे ठीक है बट वी आर giving you the first video.

करना है भाई यहां एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब का बटन है जल्दी से उसे प्रेस कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए डालू तो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले अच्छा अभी का सिनारियो क्या है जल्दी से इसे समझो देखो भाई अभी का सिनारियो क्या है स्टिल स्टिल बहुत सारे जो लाखों स्टूडेंट हैं क्लास टेन ट्वेल्थ के 10 -12 के क्या बोलते हो नाइन्थ और लेवेंथ के भी बेस होता है पूरा क्वेश्चन पेपर का या फिर एक क्वेश्चन मैंने और नोटिस किया बहुत ज्यादा है हालांकि क्वेश्चन की वीडियोज मैं आपको दे चुका हूँ आंसर दे चुका हूँ फिर भी बच, बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं बहुत सारे बच्चे एक्चुअली में दस तरह के उल्टे सीधे वीडियो देखने का भी ये नतीजा निकलता है तो यहां एक और एक सवाल है कि ब्लूप्रिंट जो होता है क्या उसी से क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछती है। देखो बेटा मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूं बहुत बार बता चुका हूं जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर सेट होता है ना वो ग्रुप ऑफ टीचर्स करते हैं बहुत एक्सपीरियंस टीचर और मैं आपको फिर से बता दूं आई एम वेरी मच ऑबलाइज uh, uh, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल समझता हूं अपने आप को कि मैं इस कॉपी चेकिंग प्रोसेस का या क्वेश्चन पेपर डिजाइन प्रोसेस का मैं एक लंबे समय हिस्सा रहा हूं सो आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली कि भाई देश भर से जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं उनको चुना जाता है ठीक है बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल से या जहां से भी और उसके बाद में ये लोग मिलकर के क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हैं बहुत सारे सेट दो पांच सेट नहीं बहुत सारे सेट और इसमें से फाइनली चार सेट निकाला जाता है आप लोगों के लिए और कुछ सेट्स को रखा जाता है बैकहैंड के लिए कि अगर कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ा तो वो बैकहैंड वाले जो जो, जो क्वेश्चन सेट पेपर है से ना वो आपके लिए आएंगे अब यहां पर बहुत सारे लोगों ने यह भी कह रखा है बच्चों कि सर किसी ने हमको कहा है कि एक सेट पेपर तो बहुत जबरदस्त होता है जो कि पूरा ब्लूप्रिंट पे बेस्ड होता है पूरा सैम्पल पेपर पे बेस्ड होता है बाद बाकी जो सेट पेपर्स होते हैं ना वो गड़बड़ होते हैं अब अगर आप खुद से ठगाना चाहते हो बेटा तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं अदरवाइज अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो डोंट लिसन टू दीज वीडियो बिल्कुल भी नहीं मैं आपको जो बताऊंगा यहां परफेक्टली बताऊंगा तो अभी पर्टिकुलरली इस वीडियो के अंदर में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं कि क्लास टेन ट्वेल्व का जो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है बोर्ड एग्जाम दो के लिए वो क्या है कैसा है यह मैं तुमको बताने वाला हूं ठीक है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तक देखना अब यहां पर क्या सिनारियो है जल्दी से समझो यहां पर यह देख रहे हो क्लास टेन पासिंग

हंड्रेड ठीक है तो यहां पे आपको टोटल में आपको नंबर जो लाना होता है ना पासिंग मार्क्स लाना होता है वो लाना होता है थर्टी थ्री तो अगर हम सिर्फ अस्सी मार्क्स की बात करें देखो भाई मैं आपको ओपन बता रहा हूं इंटरनल असेसमेंट जो होता है ना वो आपके स्कूल वाले देते हैं तो मैंने अभी तक जो देखा है वो देखा है कि भैया यहां पे ना जिली आप लोगों को 17 मार्क्स 19 मार्क्स से 20 मार्क्स तो बच्चों आपको मिल ही जाता है क्योंकि ये इंटरनली आपके स्कूल वाले देते हैं उन पर कोई क्वेश्चन नहीं करता ठीक है हाँ एक चीज है कि भाई ये तब तक until, कि भाई आपका स्कूल वाले किसी टीचर से पंगा है अपने स्कूल वाले से पंगा है तो ही वो आपके नंबर काटेंगे नहीं तो 17 से 20 नंबर 18 19 नंबर तो फाइनल इस बार तो मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 मिला था इसमें कोई इंक्वायरी नहीं होता है ठीक है तो यहां तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे अब अगर पर्टिकुलरली अस्सी मार्क्स का पासिंग मार्क्स चाहते हो तो छब्बीस एंड हाफ या कह लो सत्ताइस मार्क्स आपको चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए और मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूं ठीक है ये देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूं अब ठीक है अब इसमें आ जाऊंगा यहां देखो ये आपको दिख रहे होंगे आई क्लैरिटी होगी अब यहां पे थ्योरी पेपर है घंटे का आपका होगा आपको इंटरनल असेसमेंट पे है इन टोटल आपका मार्क्स हो गया हंड्रेड और ये देखो सीबीएसई ने खुद बताया थर्टी थ्री आपको पासिंग मार्क्स चाहिए इन टोटालिटी बस टेंशन फ्री ठीक है क्लैरिटी हो गई अब जरा सा हम आ जाते हैं फिर से हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें मैं बता देता हूं और फिर एक बार कंपैरिजन भी कर लेंगे ट्वेल्थ वालों का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया तो यहां पे जैसा मैंने शुरू में ही कहा था 33 परसेंट मार्क्स सेपरेटली चाहिए होता है थ्योरी में अलग से और प्रैक्टिकल में अलग से ये देखो थ्योरी में 33 परसेंट मार्क्स आपको अलग चाहिए प्रैक्टिकल में अलग किसी एक में भी अगर नहीं रहा तो आपको उसमें बैक लग जाएगा आप उसमें फेल हो जाओगे फिर आपको पर्टिकुलरली उसका पेपर आपको देना पड़ेगा अलग से ठीक है तो पासिंग मार्क्स थ्योरी में आपको कितना चाहिए अब भाई जो सब्जेक्ट्स बहुत ध्यान से सुनना जो जो सब्जेक्ट्स आपके अस्सी मार्क्स वाले होते हैं उसमें पासिंग मार्क्स होता है छब्बीस जो जो सब्जेक्ट आपके सत्तर मार्क्स वाले होते हैं थ्योरी पर जो होता है उसमें आपका पासिंग मार्क्स हो जाता है 23 क्लैरिटी आ गई मतलब जो जो थ्योरी पेपर आपका कितना मार्क्स का है 80 उसमें पासिंग मार्क्स कितना होगा 26 जो जो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा उसमें आपका पासिंग मार्क्स होगा 23 अब आता है बात बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रैक्टिकल का पासिंग मार्क्स कितना होता है देखो भाई प्रैक्टिकल आपका हो गया 30 मार्क्स का ठीक है तो तीस में से आपको नौ नंबर चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स अब इसमें भी अगर कोई लड़का फेल होता है बैक लगता है तो भाई आप खुद सोचो कहीं पंगा का कुछ इशारा तो नहीं हो रहा है मतलब कुछ गड़बड़ करके रखे हो क्योंकि कोई नहीं रोकता ठीक है क्लास ट्वेल्थ वालों में स्पेशली प्रैक्टिकल एग्जाम्स के समय पे एक्सटर्नल्स आते हैं बट आई हैव नेवर सीन नेवर एवर सीन कि भाई प्रैक्टिकल में वो लुड़काते हैं फेल कर देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और इसके बेस पे मैं देखो आपको ये विथ प्रूफ दिखा रहा हूं ट्वेल्थ क्लास का पासिंग uh, यहां यहां क्राइटेरिया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स है यहां पे दो तरह के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं एक तो अस्सी मार्क्स वाले भी हैं ठीक है ठीके? और ये देखो यहां पे सत्तर मार्क्स एक यहां है ज्योग्राफी का ठीक है फिर यहां कुछ और भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ठीक है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फिजिकल एजुकेशन ये सब सत्तर मार्क्स वाले पेपर हैं ये सत्तर है ये सत्तर है ठीक है तो जहां आपका सत्तर मार्क्स होगा जैसा मैंने बताया सत्तर मार्क्स का जो पेपर होगा वहां आपका पासिंग मार्क्स कितना होगा तेईस ठीक है और जो अस्सी वाले पेपर हैं ये देखो यहां पे बहुत सारे अस्सी वाले हैं ये देख रहे हो ये है हस्सी ये है हंसी तो अस्सी वाला जो पेपर आपका होगा यहां आपका पासिंग मार्क्स होगा टोटल छब्बीस ये मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं आई एम रिपीटिंग वंस अगेन ये थ्योरी की बात हो रही है नॉट प्रैक्टिकल ठीक है अब हम प्रैक्टिकल साइड में आ जाते हैं जब हम प्रैक्टिकल साइड में आते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे थर्टी का आपका प्रैक्टिकल मार्क्स है तो 30 में यहां पासिंग मार्क्स दिया हुआ है देखो कितना का है 9 मार्क्स का आपका पासिंग मार्क्स है इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो 100 वो दिखता है अलग अलग दिखता है लेकिन ध्यान ये रखना पड़ता है कि भाई जब हम ट्वेल्थ की बात करते हैं तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन अलग अलग पास करना पड़ता है यानी कि प्रैक्टिकल में अलग और थ्योरी में अलग आपका तैतीस मार्क्स आने चाहिए तो आई होप बच्चों कि इसमें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी अब हमें करना क्या है मैं हर बार आपको चीजों का उपाय बताता हूं देखो मैंने यहां पे आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो दिया दिया हुआ है स्ट्रेटेजी दिया हुआ है अभी से भी पढ़ोगे तो स्कोर कर सकते हो ये देखो बहुत सारे हजारों बच्चों ने देखा है ये देखो क्लास टेंथ का हिस्ट्री का नोट्स हो गया स्टेप वाइज मार्किंग सीबीएसई ने शुरू किया है ये देखो यहाँ पे ये मैंशन है मतलब आपको सारे डिटेल्स एक प्लेटफॉर्म पे मिल जा रहे हैं तो आपको और क्या चाहिए एज यू पीपल कैन सी कि भाई ये एक ऐसा चैनल है जो सालों से कोई नए चैनल की तरह नहीं कि अभी अभी उठा और बस उन्होंने कुछ ना कुछ शुरू कर दिया सालों से यहां पे जैसा कि आप देख सकते हो हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट्स ऐसा बनाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है तो भाई आज आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपको किस तरह से पढ़ना है पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया सीबीसी का क्या होगा सब कुछ मिल गया तो यार वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो शेयर आप लोग नहीं करते हो ये मुझे बहुत 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 ज्यादा आपत्ति है भाई ठीक है और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जहाँ तक सवाल है आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल का बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो स्टडी विथ विशाल सर ये है मेरा ऑफिशियल जो टेलीग्राम अकाउंट है मेरा वो ये है स्टडी विथ विशाल सर ठीक है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टा आईडी भी मिल जाएगा ट्विटर हैंडल भी मिल जाएगा ठीक है तो बस आप जुड़ जाओ और ये देखो जैसा मैंने कहा कि भैया मेहनत करना है खूब मेहनत करना है मेहनत में कोई काम चोरी नहीं और हम लोग उठाएंगे बहुत जबरदस्त मार्क्स तो अभी के लिए बस इतना डू शेयर दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बस इतना जय हिंद जय भारत